नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी स्टूडेंट में आप सभी का स्वागत है। और हम बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड की सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं। और हमने एक फर्स्ट वीडियो हमने जो बनाया था उसमें हमने एग्ज़ाम पैटर्न पे डिस्कस करा था, और उसमें हमने ये देखा था कि हमारे कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे, ये वाली चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। जो सेकंड वीडियो था हमारा, उसमें हमने लेवल डिस्कस करा था, सेकेंडरी लेवल के टॉपिक को डिस्कस करा था। हम टॉपिक्स को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारे जो टॉपिक है हमारे माइंड में सेट हो जाए, हमें क्या क्या पढ़ना है, तो पढ़ने में और आसानी रहती। इसीलिए हम सिलेबस को ध्यान से डिस्कस कर रहे हैं। और सेकेंडरी लेवल के हमने कर लिए थे, आप सभी बच्चों को पता भी है कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 110 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वहाँ से, और क्वेश्चन आएंगे हमारे 55। ये तो हमारे सेकेंडरी लेवल से आएंगे। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं, अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे ग्रेजुएशन लेवल के डिस्कस कर रहे हैं। ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। आप सभी बच्चों को ये भी पता है कि इसमें भी 55 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 110 नंबर के आएंगे। ये हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरुआत कर लेते हैं फिर। हमें पता है कि टैक्सोनॉमी हमारा सेकेंडरी लेवल में भी है और ग्रेजुएशन लेवल में भी है, तो ये तो हमें देखना ही देखना है। इसमें हमें क्या देखना है, सेलिएंट फीचर्स यानी मुख्य विशेषताएं, और क्लासिफिकेशन देखना है किसका, नॉन कोर डेटा का और कोर डेटा का, और साथ में इसके एग्जांपल भी हमें देखने हैं। और इसके साथ में सिमेट्री यानी सममिति, सिलोम, मेटामेरिज्म, ऑर्थोपोडाइजेशन, ये हमें पढ़ना है टैक्सोनॉमी के अंदर। और इसमें देखना है फ्लोरल वेरिएशंस इन रेनन्कुलेसी यानी पौधों में विविधता, उसमें हमें देखना है एक तो रेनन्कुलेसी में, एक एपिएसी में, एस्ट्रेसी में एंड पोएसी में, ये तो हमें टैक्सोनॉमी पढ़ना है। ये हमारी फर्स्ट यूनिट थी, सेकेंडरी लेवल में भी हमारी 8 यूनिट थी, और यहाँ पर भी हमारी कितनी है, 8 यूनिट है। तो ये तो सिमिलर सी चीज़ें हो गई दोनों में कि हमारी 8 यूनिट। और सेकंड जो यूनिट है हमारी वो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये हमें पढ़ना है। और इसके अंदर हमें क्या क्या देखना है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किसका, प्रोटोजोआ का, हेलमिंथीज का, मोलस्कस का एंड इंसेक्ट का, इन सब का देखना है। और प्लांट यूटिलाइजेशन यानी पौधों का उपयोग, ये देखना है हमें, ये कितने सीरियल्स, इसमें हमें वीट और राइस, मतलब इसका मतलब अनाज होता है, इसमें हमें वीट और राइस पढ़ना है। फाइबर यील्डिंग प्लांट क्या देखना है, फाइबर यील्डिंग प्लांट, इसमें हमें क्या पढ़ना है, कॉटन और जूट, ठीक है। और यील्डिंग का मतलब उपज होता है। देखो वर्ड का मतलब, मैं यहाँ सिर्फ हम टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं, आगे जैसे ही जैसे जैसे हम वीडियोज बनाते जाएंगे तो हर एक टॉपिक को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, यहाँ सिर्फ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें वेजिटेबल ऑयल्स देखना है, मूंगफली का देखना है और मस्टर्ड का देखना है, ठीक है। और साथ में ही हमें इसमें और क्या पढ़ना है, साथ में हमें मसाले पढ़ने हैं। मसाले में हमें धनिया देखना है, मेथी देखनी है और जीरा देखना है, यानी कोरिएंडर, फेन्युग्रीक एंड क्यूमिन, ये सारी चीज़ें देखनी है। और साथ में ही हमें यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट में हमें कमी फोरा देखना है, जिसको हम, आप सभी बच्चों को पता भी होगा, जिसको हम आमतौर पर गूगल बोलते हैं, लोहा बान बोलते हैं, जो जलाते हैं हम हवा को शुद्ध करने के लिए, वो होता है ये। और ये होता है अश्वगंधा। और बेवरेजेज मतलब पेय पदार्थ में हमें टी और कॉफ़ी के बारे में पढ़ना है। दो यूनिट हमारी अब तक कंप्लीट हो चुकी है, और थर्ड यूनिट देखते हैं हम इसमें, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये हमारी थर्ड यूनिट है। और थर्ड यूनिट में हमें क्या देखना है, थर्ड यूनिट में हमें देखना है, इसमें डेफिनेशन देखनी है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके बारे में पढ़ना है हमें, डेफिनेशन, स्कोप एंड एप्लीकेशन। और इसमें रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पढ़ना है, और ट्रांसजेनिक एनिमल्स जिसको हम परजीवी जंतु बोलते हैं एंड प्लांट्स, ये वाला पढ़ना है, एप्लीकेशन इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ये पढ़ना है हमें, टिश्यू कल्चर मेथड एंड एप्लीकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें हमें किस में पढ़नी है, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़नी है, ठीक है। समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तब आ जाएंगी,
ध्यान से पढ़ोगे तो आएंगी ही आएंगी। अब जो फोर्थ यूनिट है हमारी, वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, इसमें भी था, सेकेंडरी लेवल में भी हमें पढ़नी पड़ेंगी ये चीज़ें। अब फोर्थ यूनिट है अपनी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, प्लांट एंड एनिमल सक्सेशन, इसके बारे में पढ़ना है हमें। और बायोजियोकेमिकल साइकिल में हमें कार्बन पढ़ना है, नाइट्रोजन पढ़ना है, फॉस्फोरस पढ़ना है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अंतर्गत हमें एयर, वाटर एंड नॉइज एंड सोइल पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। और हमारी अब तक 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। एक तो हमारी टैक्सोनॉमी से रिलेटेड थी जो फर्स्ट यूनिट थी, और दूसरी हमारी थी जो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर थी, और तीसरी हमारी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी, और फोर्थ ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी हो गई। अब हमारी फिफ्थ यूनिट है जो हमें पढ़नी है, स्ट्रक्चर एक्सटर्नल इंटरनल रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें अमीबा, ओबेलिया, टीनिया, एस्केरिस, फेरिटीमा। क्या होता है फेरिटीमा? सबको पता है, केचुए को बोलते हैं हम, जिसको किसान का मित्र भी कहते हैं। और यहाँ पर पेरी प्लेनेटा, तिलचट्टा बोलते हैं जिसको, राना और रैबिट, इनकी स्ट्रक्चर देखनी है हमें, एक्सटर्नल इंटरनल और रिप्रोडक्शन और इनकी लाइफ साइकिल, ये सारी चीज़ें हमें 5वीं यूनिट के दौरान पढ़नी पड़ेंगी। और 6th यूनिट है हमारी जो एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है, और एम्ब्रियोलॉजी थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, लेकिन हम इसको पढ़ लेंगे। इसमें देखो फटाफट बताती हूँ मैं आपको, आप वीडियो देखो ना तो आप सिलेबस को साथ में लेकर के बैठना, जैसे जैसे मैं बोलूँगी आप मैचअप करते जाना, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ पर है गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड हूजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, ब्लास्टूला, गैस्टूला, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, फैट मैप देखना है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, इंडक्शन मतलब प्रेरण, मेटामॉर्फोसिस देखना है किसी फ्रॉग में, रीजनरेशन पढ़ना है, एम्फीबियन लिम्ब रीजनरेशन पढ़ना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हमें पढ़नी है, वो चिक में पढ़नी है, प्लेसेंटा इन मैमल्स, ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ ओवुलेशन, प्रेगनेंसी, और ये पढ़ना पड़ेगा पार्चुरेशन, ये हमें पढ़ना पड़ेगा, और इसी के साथ में एंड लेक्शन, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। पार्चुरेशन का मतलब प्रसव होता है। और अब हमारी 7th यूनिट आ चुकी है जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें हमें वाटर रिलेशन देखना पड़ेगा, और ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, सवशन, ग्रोथ, यहाँ पर खनिज पोषण यानी मिनरल न्यूट्रिशन, पौधों की गति, प्लांट मूवमेंट, नाइट्रोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये सारी की सारी चीज़ें, कंप्लीट चीज़ें प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हमें पढ़नी पड़ेंगी। और 8th यूनिट है हमारी बायोस्टैटिक्स से रिलेटेड है, और इसमें हमें देखना पड़ेगा मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, टेबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टेबल, हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम, बार डायग्राम, लाइन डायग्राम, ये हमारी 8 यूनिट हो चुकी हैं। मैंने आपको फटाफट 8 यूनिट के बारे में बता दिया है, और एक बार से फिर से रिपीट कर देती हूँ, देख लो आप, जो हमारी 8 यूनिट थी, एक मिनट, हाँ, फर्स्ट यूनिट थी टैक्सोनॉमी, सेकंड थी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, और थर्ड यूनिट थी हमारी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और फोर्थ यूनिट थी हमारी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, और फिफ्थ थी स्ट्रक्चर, ये हमें स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों देखनी पड़ेंगी, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग, ये थी हमारी, और एम्ब्रियोलॉजी है जो थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, प्लांट फिजियोलॉजी 7th यूनिट है, और 8th यूनिट है हमारी बायोस्टैटिक्स। अब जो हमने जो चीज़ें देख ली हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने 110 नंबर के टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, और 110 नंबर के टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। कितने कितने नंबर के, यानी हमने 110 नंबर के टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और एक मिनट, तो हमने 110 नंबर
110 नंबर, यानी करीबन हमने 220 नंबर का मैटर के टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। और 220 नंबर के मैटर को डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारा बच्चा है लेवल एक, लेवल तो हमारा जो बच्चा है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का बच्चा है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का बच्चा है। और उसमें हम सब बच्चों को पता है कि 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी हमारे 10 क्वेश्चन आएंगे उसमें। और हमारी एक साइकोलॉजी बच्ची है जिसमें हमारे 30 क्वेश्चन आएंगे जो 60 नंबर के आएंगे, यानी टोटल मिलाकर के हमारा जो बच्चा है 80 नंबर का मैटर बचा है जो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये वाली ये बच्चा है और हमने 220 नंबर का मैटर डिस्कस कर लिया है। सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं ओनली, जीके की चीज़ें भी देखेंगे लेकिन पहले हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जीके की भी साथ साथ में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया जो मैंने बताया है। पहले मैं सिलेबस पे इसलिए जोर लगा रही हूँ ताकि हमें सिलेबस आराम से समझ में आ जाए और टॉपिक आसानी रहे समझने में जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तब। तो इस वीडियो में तो इतना ही, अगला जो वीडियो बनेगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का बनेगा, बहुत छोटा सा बनेगा, उसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ओनली 20 नंबर का मैटर आएगा उसमें। और एक हमारा बनेगा जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, वो बनाएंगे जो 60 नंबर का आएगा अपना। ठीक है, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को आप शेयर भी कर सकते हैं फ्री में। जो बच्चा पढ़ना चाहता है तो हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी पढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो और अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में तो इतना ही, आगे और वीडियो बनेंगे तो उसमें हम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल को डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।